नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान सोमवार को शराब पीने से मौत के बाद परिजनों से मिलने बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिल उनका ढांढस बंधाया। इस मौके पर उन्होंने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। सीएम का सोच है कि जो पिएगा वह मरेगा, इस तरह की सोच तो हमारे मुख्यमंत्री रखते हैं। आज उनके गृह जिला में यह घटना घटी है, क्या यहाँ भी आकर मुख्यमंत्री यही बात बोलेंगे कि जो पिएगा वह मरेगा? कोई पी इसलिए रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपके ही गृह जिला में इसका निर्माण हो रहा है। एक के बाद एक कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चंपारण से लेकर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और अब तो उनके गृह जिला में यह नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार भी पीड़ित परिजनों से मिलने तक नहीं आए। महिलाओं ने यह कानून की मांग की थी, ना कि उनके गांव मोहल्ले में शराब माफिया शराब बनाकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दे। चिराग पासवान ने कहा कि वह राज्यपाल से मांग करेंगे कि केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे? अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा, एक कानून अगर आपसे नहीं संभल रहा है, उस कानून को धरातल पर उतारने के लिए दिन रात, आज की तारीख में बिहार में शराबबंदी के अलावा किसी बात पर चर्चा होती है क्या? किसान परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रही, उस पर चर्चा नहीं होती। दुनिया भर की समस्या, यहाँ पर अपराध बढ़ता जा रहा, उस पर चर्चा नहीं होती। मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी पर, और उसके बाद कानून के ये हालात है। तो ये स्पष्ट तौर से दिखता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। और इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर और लिखित रूप में आज मैं उनको ये ज्ञापन दूंगा कि अब ये उचित समय है कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।